हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर गेम प्ले की वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम जो गेम खेलने वाले हैं उस गेम का नाम है फियर्स टू फैथम। तो बेसिकली यार ये एक हॉरर गेम है, तो ये स्टीम पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो खेलना चाहता है वो डाउनलोड करके खेल सकता है। तो खैर यहाँ पर गेम शुरू करते हैं, यहाँ पर एपिसोड्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी इसका एक ही एपिसोड है, जब बाकी के एपिसोड आएंगे तो उनके ऊपर मैं गेम प्ले वीडियो बना दूंगा। अभी इसका फर्स्ट एपिसोड आया है, एपिसोड 1 होम अलोन। तो खैर इसको खेलते हैं, फियर्स टू फैथम एपिसोड 1 होम लोन, जुलाई 12। फिर गेम यहाँ से शुरू होती है, बंदा अपनी स्टोरी बता रहा है। इट वॉज मिडल ऑफ द समर, आई डोंट लव यू। तो ये कह रहा है कि गर्मियों के बीच की बात है, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे एक ट्रिप पर छोड़ के जो है घर पे किसी वर्क ट्रिप पर गए हुए थे। तो उसको यहाँ पे स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। ओके, तो गेम यहाँ शुरू होती है, हम यहाँ पर लेटे हुए हैं, ये हमारा बेड है। और अच्छा, ये यहाँ पर अलार्म क्लॉक है, इसका शोर आ रहा है। तो इस वक्त 8:03 हुए हैं, इस बैठक यहाँ पर मुड़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुड़ चुके हैं, ये हमारा बेड है, ये सामने बुक शेल्फ है, और इस साइड पे टेबल और ये विंडो है। विंडो में बाहर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो ये दरवाज़ा खुलता है, ओके ये दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। अब आई गेस हमें नीचे जाना है। तो हमें 3 मैसेजेस आए हैं मॉम के। तो मोम कह रही है नो नीड टू ऑर्डर एनीथिंग, आई ऑलरेडी मेड फूड्स। तो मोम कह रही है कि बाहर से कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो खाना है वो ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो ओके चलते हैं, पहले नीचे फ्रिज हो गया आई गेस, इधर क्या है। ओके, तो ये रूम है, इसमें कुछ भी नहीं है आई गेस, ये वैसे ही बेडरूम है। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, नाइस। तो यहाँ पर हम किचन में आ चुके हैं, यहाँ पर फ्रिज के अंदर खाना पड़ा हुआ हमारा। तो फ्रिज को खोल लेते हैं और ये हमारा खाना है, फ्रिज के पहले बंद कर देते हैं। ओके, इसको पहले गर्म कर देते हैं, नाइस। तो हमने खाना फ्रिज के अंदर रख दिया हुआ है, इस साइड पर कुछ है शायद। तो अच्छा, ये बाहर का दरवाज़ा है यार, इसको बाहर नहीं जाते, हम बंद कर लेते हैं, अंदर ही रहते हैं घर के। और ये ओवन काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है, खाना हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं घर को। ची टू थ्रो, मेरे पास कुछ है नहीं यार थ्रो करने के लिए। ओवन की आई गेस बेल बज चुकी है और हमारा खाना गर्म हो गया है। यस, तो खाना गर्म हो गया और ये कह रहा है कि मैं इसको टीवी देखते हुए खाऊंगा, वो हमें लाउंज में जाना पड़ेगा और टीवी देखते हुए हम खाना खाएंगे। तो यस, हम लाउंज में आ गए हैं, पहले टीवी ऑन कर लेते हैं। अभी तक तो गेम यार बिल्कुल भी हॉरर नहीं लग रही मुझे, नॉर्मली लग रही है, मतलब जिस तरह की गेम्स होती हैं। ओके नाइस, तो हम यहाँ पे खाना खा चुके हैं, यहाँ से उठते हैं। तो आगे जाने से पहले हम पहले यहाँ पे टीवी ऑफ कर देते हैं, नाइस। टीवी हमने कर दिया ऑफ, इसको थ्रो कर देते हैं, इधर ही फेंक देते हैं। चलो इधर से उठाते हैं, किचन में रखाते हैं, किचन में रखाते हैं। नाइस, फ्रिज में से वाटर बॉटल निकाल लेते हैं हम, ठीक है। इसको कर देते हैं बंद और अब चलते हैं ऊपर। हमें एक मैसेज आया था, इसका आया है। ओके, तो हमारा कोई दोस्त है मेसन, उसका मैसेज है कि जो है कल हम लोगों को जैसिका के घर जाना है। आई डोंट नो, आई गेस जैसिका कोई तीसरी दोस्त है इन दोनों की। यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं, यार इतना स्लो क्यों जा रहा है। सी यू टुमारो, ओके हमारा दोस्त कह रहा है कि कल मिलते हैं। ओके, इसको मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा यहाँ पर। अरे मैं कमरे के अंदर आ चुका हूँ, कमरे का दरवाज़ा कर लेते हैं बंद। अब इसको शायद नींद आ रही होगी। ओके, तो इसको होमवर्क करना है पैर पे जाने से पहले। वाटर बॉटल हमने इधर फेंक दी है क्योंकि पानी पीना होगा तो पी लेंगे, बल्कि एक मिनट यार इसको उठाते हैं इधर से, इसको रख देते हैं इस टेबल के ऊपर, नाइस ठीक है। ये मेरी टेबल है, अब इसके ऊपर बैठ के हमें होमवर्क करना होगा। L38 AM, तो हमें कोई राउंड अबाउट कोई 4 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए। तो फाइनली हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम चल के सोते हैं। मोम के 2 मैसेज आए हैं, पहले मैसेज पढ़ लेते हैं।
मॉम कह रही है कि रात को ज़्यादा देर तक जागना ही, और मैं दोबारा मिस पाउला से ना सुनूं कि तुम जाग रहे हो। आई गेस मिस पाउला हमारी नेबर हैं, और हाँ मेरे ख्याल से सामने जो नेबर है वो मिस पाउला, और उन्होंने मेरी मॉम को मैसेज किया कि हम अभी तक जाग रहे हैं। तो खैर अब हम चल के यहाँ पे सो जाते हैं। अभी तक तो यार गेम के अंदर कुछ भी हॉरर नहीं आया। वन सिक्सटीन AM, आई गेस कोई 30 मिनट हम सोए हैं, तो यहाँ पर हमें आँख खुली गई और इसको बंदे को प्यास लगी है। यार लाइट किधर चली गई? अभी तो लाइट आ रही थी। तुम्हें आवाज़ आ रही है जैसे कोई हैम्पर चला रहा है या कोई चीज़ तोड़ रहा है। विंडो में देखते हैं पहले, बस विंडोज़ में तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। फिर पहले हम यहाँ पानी पी लेते हैं। अंदर पी लिया इस बोतल को, वापस इधर रख देते हैं। हम देखते हैं ये आवाज़ कितने से आ रही है। सामने भी हमारी नेबर अब जागी हुई है, पहले इसकी लाइट ऑफ थी। अजीब सी आवाज़ आ रही है, बातचीत के देखते हैं। एक मिनट, ये अंधेरा क्यों हो गया यार? अच्छी भी लाइट तो आ रही थी। क्राउच होके देखते हैं विंडो के नीचे से, कोई नजर तो नहीं आ रहा। खैर हम वापस चलते हैं अपने रूम के अंदर ही, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। अब दोबारा सोना है हमने, आई डोंट नो बाकी क्या करना है। मॉम ने एक अटैचमेंट भेजी है। ओके कोई हमारे दरवाजे पर है, जो मैं शोर आ रहा था कोई दरवाजे पे है। और मॉम पूछ रही है कौन है, आई डोंट नो कौन है ये, कोई हमारे घर के बाहर खड़ा है। और मॉम ने पिक भेज किया कि सामने ही नेबर ने पिक लिया और हमारी मॉम को फॉरवर्ड किया, और मॉम ने हमें फॉरवर्ड किया। तो दरवाजे पर कौन है देख कर आना पड़ेगा यार। इस दरवाजे पर, ये हमारे घर का मेन गेट है, इसी पर कोई खड़ा था। मॉम के चार मैसेजेस, इसको बाद में फिर तो देखते हैं। मॉम कह रही है पाउला सेंड मी, यानी कि जो हमारी नेबर उन्होंने हमें भेजी है, और वो कह रही है कि कोई हमारे घर की विंडो से देख रहा है, दरवाज़ा मत खोलना और अपने आप कमरे में लॉक कर लो, हम कॉप्स को बुला रहे हैं। पहले देखें तो विंडोज में कौन झांक रहा है, हम भी झांक के देखते हैं। ओके तो यार ये बंदा है यार, ये देखो ये बूढ़ा सा कोई अंकल है। हेलो चोर अंकल, हेलो यार भाई क्या लेने आए हो? हेलो आई फेल्ट माई हार्ट स्किप, बीटों के तो उसकी दिल की धड़कन तेज होगी। तो ये कोई चोर है, इसके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन ये आई गेस कोई चोरी वगैरह करने आया है। हेलो भाई क्या देख रहे हो यार? तो मैं मुंह नहीं लगा रहा। खैर हम चल के ऊपर चल के सोते हैं, ये जा ही नहीं रहा है। कैसे हमें दरवाज़ा खोलेंगे? नहीं मामले का दरवाज़ा नहीं खोलना, दरवाज़ा नहीं खोलना, ये बंदा खड़ा है। खैर खैर इसको मिस करा के हम ऊपर चल के सोते हैं। हमारी माम ने हमें यही कहा है कि हमें ऊपर जाके सोना है, सोना नहीं है सॉरी, छुप जाना है। और जो मिस पाउला है वो कॉप्स को बुला रही है, तो जब तक कॉप्स नहीं आते हम अपने रूम में ही रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने घर में बेड के नीचे। दरवाज़ा हमने कर लिया अंदर से बंद, पानी थोड़ा सा और पी लेते हैं पहले। ओके तो अभी मुझे आवाज़ आई जैसे कोई कांच टूटा हो। ये कौन है? ये मिस पाउला है। हाँ ये मिस पाउला है, मिस पाउला हमारे घर आ रही है, इसलिए मुझे कांच टूटने की आवाज़ आई है। बेड के नीचे छुप जाता हूँ मैं। तो मिस पाउला बेल रिंग करनी है, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा क्योंकि तो घर में चोर आया है। मेरे ख्याल से मुझे गेम में प्रोग्रेस करने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो खैर यहाँ से बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा चल के खोलते हैं। मोंगो मैसेज आया, इट्स पाउला एट द डोर। ओके मिस पाउला दरवाजे पे आ चुकी हैं, अब हमें आई गेस जाके दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं नीचे। एक मिनट, लाइट नीचे से किधर जा रही है? ओके तो चोर घर के अंदर आ चुका है, और वो हमारे घर सामने वाले रूम में, जो हमारे पेरेंट्स का रूम था। ओके तो हम वापस चलते हैं। सॉरी सर आप करें जो कर रहे हैं। आई एम सॉरी, नहीं नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, आप करें करें। हम आराम से अंदर चलते हैं क्योंकि चोर सामने खड़ा है यार, हम नहीं जा सकते, उसको करने देते हैं। बस गेम की एक लॉजिक देखो, उस कमरे की लाइट चल रही है, बाकी पूरे घर में लाइट ऑफ है। तो मतलब सीरियसली यार भाई, चोर तू है तो इतनी अकल नहीं यार, जिस कमरे में चोरी करने आया उसकी लाइट ऑफ नहीं की, बाकी पूरे घर की लाइट ऑफ कर दी। नाइस, ओपी यार ओपी, गुड। खैर तू कर, ओके बाय बाय यार, सुकून से घर में दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ।
मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा, जब तो पुलिस नहीं होती, क्योंकि तो पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है। ओके तो यस फाइनली यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, तो अब हम चलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज हो गया, क्या सब कुछ गलत नहीं होगा? गेम शायद दरवाजा बंद होगा, गेम में रह बस गेम एंड होगी, इतनी सी थी गेम यार, गेम एंड भी होगी। हम पहले नीचे चलते हैं, नीचे चल के दरवाज़ा खोलते हैं। तो ये मिस पाउला है और पुलिस आ चुकी है, बस यार गेम एंड होगी, इतनी सी गेम थी। ये तो ज़रा सी भी हॉरर नहीं थी यार, सीरियसली बिल्कुल भी हॉरर नहीं थी, मतलब चोर से किस पर डर लगता है। तो बस इतनी सी गेम थी यार, वीडियो ख़त्म करते हैं और गेम बंद होगी। नाइस, गेम ख़त्म होने के बाद गेम बंद होगी, नाइस यार, बहुत अच्छी गेम थी यार। तो बस वीडियो ख़त्म करते हैं यार, गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो खेलना चाहता है वो डाउनलोड करके खेल सकता है, ये फ्री अवेलेबल है स्ट्रीम के ऊपर। तो बस आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बाकी कमेंट्स में बताओ अगली कौन सी हॉरर गेम देखना चाहते हो। इसका एपिसोड 2 आएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी गेम प्ले लेकर आऊँगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।